assalamu alaikum students i am your english teacher i hope you all are fine okay let's start your english application book a okay so we already studied about b right so what do you have to study today that is page number 26 letter c letter c has the pronunciation or the vo uh, vocabulary for ka Okay, ka or Alright, in some places we use it as ka. K ki wa aati hai, theke? The sound it produces is it resembles letter K. cow It seems like we are saying K-O-W, but it's C-O-W, right? So, that is what we are going to study about how to write C. Theke? सो वट यू हैव हेयर सर्कल द पिक्चर्स दैट बिगिन विदर सी मतलब आपको उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जिनका नाम किससे आता है सी से ठीक है सो वट इज दिस दिस इज अ काउ राइट काउ क ओके दैट इज द साउंड फॉर द लेटर सी सो वट विल वी डू यू विल सर्कल इट हम इसको एनसर्कल करेंगे ठीक है After that, what is the other picture? It's an apple. A. A. This sound is for A, right? So, you do not have to encircle this. Then, we have another item that has the name of a clock. Clock. Ka. Right? Ka. Clock. Ka. Cow. Ka. Clock. Right? ये भी सी से बिगिन होता है इसका नाम भी सी से बिगिन होता है सो वट विल वी डू वी विल एन सर्कल दिस वन एज वेल ठीक है सो देन वी हैव अनदर पिक्चर दैट शोज आस हाउ टू राइट सी ओके वट यू हैव टू डू आपको यहां पे पेंसिल रख के यू हैव टू आउटलाइन दिस वर्ड ठीक है आपको इस वर्ड की सॉरी एल्फाबेट की आउटलाइन करनी है ठीक है सो आफ्टर दिस I'll show you how to write C here. Okay. Put your pencils here. उसके बाद dotted line के ऊपर से चलाओ. Try making a circle out of it. ठीक है? Try making a circle out of it. ठीक? I'll show you again. यहाँ पे pe pencil and then drag it over. ठीक है? Dotted line के ऊपर आपको इसको drag करना है. दैट इज ऑल यू हैव टू डू टू मेक अ सी ठीक है दैट इज वॉट यू हैव टू डू अप टू द वेरी एंड ऑफ दिस पेज ठीक है इसके ऊपर से ड्रैग करके लेके जाना है ओके देन ऑन पेज ट्वेंटी सेवन हमें यहां पे क्या करना है सर्कल द करेक्ट सीज सीज आर गिवन हेयर हमें इनको क्या करना है एन सर्कल करना है या सर्कल लगाना है इनके ऊपर ठीक है सो हाउ विल वी डू दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन ठीक है हमें लेफ्ट डायरेक्शन और राइट right डायरेक्शन पता है सो वी नो जो सी होता है सही वाला सी होता है करेक्ट सी होता है उसका जो स्पेस ओपन होता है वो राइट right साइड की तरफ ओपन होता है ठीक है जो लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट साइड उसका क्लोज्ड होता है है ना है इधर से लाइन लगी है ना ऑन द लेफ्ट साइड बट राइट साइड इसका ओपन है ठीक है सो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द रियल सी ये वाला करेक्ट सी है तो इसको हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे ठीक है देन दिस वन सी इसका भी राइट साइड ओपन है ये करेक्ट सी है ठीक यू कैन एन सर्कल दिस वन इज वेल ये वाला करेक्ट सी है कि नहीं है नो इट्स नॉट करेक्ट सी बिकॉज इसका लेफ्ट साइड ओपन है हमें कौन सा साइड ओपन चाहिए राइट साइड ठीक है सो वी विल नॉट एन सर्कल दिस वन इस वाले को भी सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी गलत है देन वी हैव अनादर वन हेयर इसका भी लेफ्ट साइड ओपन है ये भी रॉन्ग है है ना ये वाला भी रॉन्ग है देन वी हैव दिस वन इसका कौन सा साइड ओपन है राइट साइड सो इट इज दी करेक्ट सी आपको क्या करना है इसको सर्कल करना है ठीक है देन वी हैव अनादर सी इसको भी आप सर्कल करेंगे क्योंकि इसका भी राइट साइड ओपन है ठीक ठीक है आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे वी विल स्टार्ट राइटिंग सी हेयर अगेन ठीक है आपको क्या करना है दो ब्लू लाइंस के बीच में ओनली बिटवीन दीज टू ब्लू लाइन आपको क्या करना है? एक लाइन लगानी है ऐसे ओके हेयर इज वेल लाइन ठीक है सो so, यहां पे तो चलो ठीक है आपको ट्रेसिंग लाइन दी गई है यू हैव ट्रेसिंग लाइन हेयर राइट बट वट अबाउट दीज लाइन्स जहां पर आपको ट्रेसिंग लाइन्स नहीं दी गई है वहां पर अगर आप सिंपली बना सकते हो सी देन यूल मेक इट ठीक है अगर सिम्पल में आपका सी बन रहा है अगर खुद से आप बना सकते हो वेल एंड गुड अगर नहीं बना सकते तो आप कैसे हेल्प करोगे खुद को वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट ठीक है फिर इन तीनों डॉट्स को आप ज्वाइन करोगे मेकिंग अ सी अगेन वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट ठीक है इन तीनों डॉट्स को आप ज्वाइन करोगे मेकिंग अ सी ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन आफ्टर दैट वी हैव अनादर पेज यहाँ पे हमें क्या करना है वी हैव टू ड्रॉ एनी टू पिक्चर्स दैट बिगिन विद द लेटर सी वी हैव टू मेक पिक्चर्स ऑफ टू थिंग्स ठीक है हमें दो चीजों की पिक्चर्स बनानी है यहां पर दैट बिगिन विद द लेटर सी ओके लेट्स सी कैन वी राइट अ कप कप बना सकते हैं right. राइट हम पहले क्या करेंगे वन सर्कल ओके देन जॉइन टू साइड्स ठीक है जॉइन किया दिस साइड दिस साइड यहां पे ऐसे ठीक है दिस इज द बेस और यहां पर एक डल सो दिस लुक्स लाइक अ कप इसको नीचे क्या लिखेंगे कप ओके देन अगेन वट एल्स कैन वी मेक वी कैन मेक अ कैरेट कैरेट कैसे बनाएंगे थोड़ा सा गोल ठीक है फिर जो लाइन्स होंगी वो स्ट्रेट नहीं बनानी है ओके लाइक दिस रूट्स थोड़े से होते है ना देन सम लाइन्स ठीक है एंड अगेन ऊपर क्या बनाना है ग्रास है ना सभी कैरेट्स के ऊपर ग्रास होता है सो व्हाट इज कैरेट ओके देन वी अगेन हैव टू प्रैक्टिस सी यहां पे डॉट एंड खींचना है ठीक है यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सी आउट ऑफ इट उसके बाद यहां पे आपको फिर से सिंपल लाइंस दी है कोई ट्रेसिंग लाइंस नहीं है हाउ विल यू राइट इट वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट है ना फिर इन तीनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कराना है वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट एंड देन जॉइन द थ्री डॉट्स ओके वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट ज्वाइन द थ्री डॉट्स जिसको ऐसे नहीं चाहिए दे कैन ओपनली राइट लाइक दिस ठीक है वो अपना सी यहां पर खुद से लिख सकते हैं यू डू नॉट नीड एनी लाइन्स एनी डॉट्स वन टू थ्री ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन आफ्टर दिस हमारे पास क्या है आवर कोर्स बुक राइट कोर्स बुक ए पेज नंबर इलेवन सो वट यू हैव टू स्टडी हियर टूडे वी हैव अ स्टोरी फॉर डी Okay, the alphabet D. It produces a sound of da. Da, Okay? da. Daisy and her friends. Da, Daisy and her friends. Okay? So I'll read the story and then I'll explain it. Okay? Daisy the duck loves to dance. Jo Daisy the duck hai? Daisy kon hai? She's a duck. Okay? शी लव टू डांस उनको डांस करना अच्छा लगता है वन डे शी फेल वाइल डांसिंग एंड हर्ट हर्द क्या हुआ वो गिर गई शी फेल वाइल डांसिंग क्या करते हुए डांस करते हुए एंड हर्ट हर्नी और उसके नी में चोट लग गई रिमेम्बर हाउ आई प्रोनाउंस दीज वर्ड डेजी डक डांस डे डांसिंग ठीक है डेजी को क्या करना अच्छा लगता है बताओ शी लव्स टू डांस सही वट हैट हैपन वेन शी वॉज डांसिंग जब वो डांस कर रही थी तब क्या हुआ शी फेल वाइल्ड डांसिंग है ना शी फेल वो गिर गई देन वी हैव अनादर वन डैडी डक कॉल्ड अ डॉक्टर डैडी डक कॉल्ड अ डॉक्टर उसके पापा ने क्या किया डैडी डक ने क्या किया उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया द डॉक्टर आस्ट हर टू रेस्ट डॉक्टर ने क्या बोला दैट शी शुड रेस्ट ठीक है एंड गेव हर मेडिसिन और उसको मेडिसिन दिया डैडी डक डॉक्टर ओके डेजी वॉज सैड डेजी क्या हो गई सैड हो गई सडनली शी हर्ड द डोर बेल What did she hear? She heard the doorbell. Okay, doorbell. So उसके बाद क्या हुआ? उसको doorbell की आवाज आई, bell की आवाज जैसे बाहर लगी होती है हमारे घरों में bell. ठीक है, उसी की आवाज आई. Her friends Dan the deer and Diggy the dinosaur. Dan the deer and Diggy the dinosaur had come to meet her. उसके जो friends थे कौन कौन से फ्रेंड्स डैन द डेयर एंड डिगी द डायनासोर ठीक है हैड कम मीट हर मिलने आए थे दे प्लेड विद ड्रम्स एंड डॉल्स उन्होंने किसके साथ खेला ड्रम के साथ ड्रम जो यहां पर ये यह बजा रहा है ठीक है इससे म्यूजिक आता है ड्रम्स एंड डॉल्स उन्होंने ड्रम्स और डॉल्स के साथ खेला दे हैड डिनर टुगेदर उनने क्या किया डिनर एक साथ किया डेजी वॉज हैप्पी उसके बाद क्या हुआ डेजी खुश हो गई शी वॉज हैप्पी इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्रेंड्स के साथ हम बहुत खुश होते हैं वी आर वेरी हैप्पी वेन आर फ्रेंड्स आर अराउंड है ना हम बहुत खुश होते हैं जब हम हमारे आसपास कौन होते हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हम उनके साथ खेल रहे होते हैं ठीक है सो आई रीड द स्टोरी अगेन आप लोग ध्यान से सुनना ठीक है Daisy the duck loves to dance. One day she fell while dancing and hurt her knee. Daddy duck called a doctor. The doctor asked her to rest and gave her medicine. Daisy was sad. Suddenly she heard the doorbell. Her friends Dan the deer and Diggy the dinosaur had come to meet her. They played with drums and dolls.